जय माता दी, जय भाई भाई। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साधकों, हम हमारे चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं बेहद ही अद्भुत और अनोखे चमत्कारी टोटके, जिनके उपयोग से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और मासिक धर्म विधि की शास्त्र का अगला टोटका। इससे पहले जो टोटके दिए गए हैं उनसे काफ़ी महिलाओं को फायदा हुआ है, काफ़ी महिलाओं की समस्या का समाधान हुआ है, बहुत सी महिलाओं का हमारे पास कॉल आए, बहुत सी महिलाओं के हमारे पास मैसेज भी है। इसी क्रम में मैं आपको अगली विधि बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कबूतर की पाँख और मासिक धर्म रक्त के कपड़े से करीब वशीकरण प्रचंड, ये सबसे प्रचंड वशीकरण है साधकों। दोस्तों, आज जो मैं टोटका बताने जा रहा हूँ ये उन महिलाओं के लिए हैं जिनके पति उनसे दूर हैं, उनकी बात नहीं मानते, अन्य महिलाओं के चक्कर में हैं, उनका पारिवारिक जीवन कलेश से युक्त है, शराब आदि का सेवन करते हैं। आप इस टोटके को करके उन्हें सही लाइन पे, सही मार्ग पर ला सकते हैं। साधकों, मासिक धर्म स्त्री के जीवन के सात्विक सत्य है। जब कोई स्त्री अपने पूर्ण तत्व को प्राप्त करती है, अपने यौवन को प्राप्त करती है, शुरू करती है, तो उस वक्त उसे मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाता है। मासिक धर्म आने से ही स्त्री अपने आप में पूर्ण होती है। इसी धर्म के कारण उसे उच्च स्थान दिया गया है। ये केवल महिलाओं में ही होता है। बहुत सी दंत कथाएं हैं जिनमें इनके अलग अलग उदाहरण, अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए गए होंगे, लेकिन जो विधि है, जो शास्त्र है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मासिक धर्म रक्त का प्राचीन काल से प्रयोग होता है। बहुत से तंत्र मंत्र यंत्रों में इसका प्रयोग होता रहा है, बहुत से महात्मा इसका प्रयोग करते हैं। आप काफ़ी सुना भी होगा किसने इसको किसी को खिला दिया है, पिला दिया है, ये सब इन्हीं वीडियो में से। मैं आज अगर आपके पति को, आपके प्रेमी को किसी ने कुछ खिला पिला रखा है तो उसे तोड़ने का भी यही एक साधन है जो आपको बता रहा हूँ। गौर से सुनिएगा इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, ये टोटका उन औरतों की समस्या खत्म करने के लिए बना है जिन औरतों के पति गलत लाइन में, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको इसे करने की विधि बताता हूँ। विधि बताने से पहले मैं आपको इस टोटके को करने में जो सावधानी रखनी है वह बताता हूँ। इस टोटके को करने में आपको चार बातों का विशेषतः ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। इनका ये जो बातें हैं वो इस प्रकार है। पहली बात, यह विधि गुप्त विधि है, इसे अगर कोई औरत करती है तो वह किसी दूसरे को नहीं बता सकती है। यह विधि केवल मासिक धर्म के दौरान ही होगी। तीसरी, यह विधि आप रात 12 बजे ही करें, 11 से 12 के बीच में। चौथी और महत्वपूर्ण, इस टोटके से आपको जो भी काम बने वह आप किसी अन्य औरत को ना बताएं। आपका जब काम बन जाता है तो बनने के बाद में आप इसका प्रसार ना करें। अगर आप किसी अन्य को ये बताती हैं कि मैंने ये किया, इससे मेरा पति इस लाइन पर आ गया अपने मुँह से, तो वह टोटका तुरंत टूट जाता है। ये बातों का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसे करने के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये टोटका आप अपने मासिक धर्म का पहले कपड़े या पहले पेड़ से शुरू करें और वह पहला कपड़ा या पेड़ फेंके नहीं, उसे संभाल कर अपने पास रखें। अब आपको करना क्या है ये मैं बताता हूँ। जब भी किसी औरत को कपड़ा आए तो वह अपनी योनि पर पहला कपड़ा या पेड़ लगाए तो पेड़ पर आपको एक कबूतर की पाँख लगानी है। मतलब आप अपनी योनि पर पेड़ लगा रही तो उसके साथ कबूतर की एक पाँख उस पेड़ के साथ आपको लगानी है। ध्यान रहे, कबूतर की पाँख आपको योनि की तरफ नहीं लगानी है, जो पेड़ का हिस्सा आपकी योनि की तरफ है उसके उल्टी दिशा में आपको उसके कबूतर की पाँख लगाकर किसी भी धागे या किसी भी चीज़ से बांध लेना। जब आप पेड़ या कपड़ा बदले तो पाँख नीचे ना गिरे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब आप अपना कपड़ा बदले तो जो भी पाँख आपने लगा रखी है वो नीचे ना गिरे, उसको आप जमीन पर ना गिरने दें, उसे वैसे का वैसा ही उठा लें। एक दिन में आप जितनी बार भी कपड़ा या पेड़ बदले तो आप उतनी बार ही कबूतर की पाँख बदले, मतलब नहीं, अगर आप दो बार लगाती हैं तो दो पाँख लगाए, तीन बार लगाती है तो तीन लगाए, एक लगाती है तो एक ही लगाए, कोई दिक्कत नहीं। यह आपको जितने पेड़ लगानी है उतनी बार करनी। अब आप अगर तीन दिन से ज़्यादा दिन तक कपड़े या पेड़ इसका इस्तेमाल करती है तो आपको कबूतर की पाँख नहीं लेनी है। ये काम आपको तीन दिन ही करना है। तीन मतलब आपको तीन दिन अगर आप पीरियड आता है तो आपको तीन दिन की पाँख लगानी, चार दिन पाँच दिन आता है तो नहीं लगानी है। अगर आप दो दिन आता है तो दो दिन, तीन दिन से ज़्यादा नहीं लगानी आपको। जब वह औरत बिल्कुल साफ हो जाए, जब आप बिल्कुल साफ हो जाए मतलब आपको कपड़ा ना बंद हो जाए, पति वशीकरण टोटका आपको उस वक्त करना है। अब आपको करना क्या है गौर से सुनिएगा। तीन दिन में आपको पास जितनी भी पाँख इकट्ठा हुई है उन सबको एक साथ कर लें और उन पाँखों में आप अपनी योनि का एक एक बाल उनके ऊपर रख दें। अब आप वह कपड़ा या पेड़ लेकर आए जो आपने मासिक धर्म के समय सबसे पहले लगाया था, जिसे मैंने संभाल के रखने के लिए आपको कहा था। अब आप उन सब पाँखों को, अपनी योनि और सर के बाल को उस कपड़े या पेड़ पर रख दें। ध्यान रहे, ये विधि आपको रात 11 से 12 के बीच ही करनी है और शनिवार या
गुरुवार को ही करें, अमावस्या को करती है तो तुरंत लाभ मिलता है आपको। अब आप उस पेड़ पर अपने पेशाब की कुछ बूंदे डालें, ठीक है, उस पेड़ पर आपके पेशाब की सात या कुछ बूंदे डालने के बाद में आप उस पर थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। हल्दी डालने के बाद में वो पेड़ बिल्कुल पीले रंग का हो जाएगा। अब आप इस कपड़े और पंख को और बाल को एक कागज़ में लपेट कर एक साथ कर दें। अब आप अपने बालों को खुला करके, जो बंधे हुए आपके सर के बाल, उनको बिल्कुल खोल कर रखें, बंधे हुए ना रखें। बालों को खुला करने के बाद आप उस कागज़ की पुड़िया को जला दें जिसमें आपने कपड़ा और पंख बाल रखा है। ध्यान दें, अगर पेड़ आपका बड़ा है तो आप उसका छोटा टुकड़ा काट कर भी इसमें रख सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा पेड़ पूरा कपड़ा ले, आप इसका छोटा टुकड़ा काट कर भी इनके साथ यूज कर सकते हैं। कागज़ को जलाने के बाद आप उसकी सारी राख इकट्ठा करके किसी डिब्बी में या किसी थैली में बांध कर अपने पास रख लें। उस राख को आप किसी भी काले कपड़े में बांध कर 3 दिन अपने पास रखें, ठीक है। 3 दिन के बाद में उस राख को आप निकाल कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाने, 2 बूंद शहद मिलाने के बाद में आप उस राख को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को खिला देती है या उसके माथे पर लगा देती है तो वह तुरंत आपके काबू में होने लगेगा, आपका वश में होने लगेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा करने लगेगा, ठीक है। ध्यान रहे साधकों, ये टोटके होते हैं, इनको किसी भी गुरु के परामर्श से कीजिएगा, अपने विवेक से कीजिएगा, और जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा। आपको फायदा हो तो हमें कमेंट करके या कॉल करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता। अन्य किसी समस्या के समाधान की जानकारी के लिए आप हमारे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। जय माता।